दर्शन हो चुके हैं, दोबारा जा रहे हैं एक बार। जय जगन्नाथ। तो हम लोग सुबह सुबह एक बार दर्शन कर चुके थे, मैं और हस्बैंड, बच्चे सो रहे थे होटल में, और अभी हम दोबारा जा रहे हैं बच्चों के साथ में, क्योंकि बच्चे इतनी जल्दी सुबह उठने वाले नहीं थे। और सुबह के टाइम पे दुकानें साइड की नहीं खुली होती हैं, थोड़ी एक दो खुली होती हैं, देखिए एक आध दुकान खुली है। और सारा पूजा का सामान बहुत ही सुंदर लगता है, लगता है सब कुछ ले लो। तो भगवान के दर्शन सुबह सुबह जो हुए थे ना, बहुत अच्छे से हुए थे, और हस्बैंड ने तो दो बार कर लिए थे। और ये देखिए, ये यहाँ की खास मिठाई थी खाजा, जो कि यूपी और बिहार में भी मिलती है, लेकिन यहाँ पे प्रसाद में ख़ास तौर से खाजा मिलता है। और मंदिर के परिसर के थोड़ी ही दूरी पे बैरिकेड लगा हुआ है, जहाँ पे अंदर आप नहीं जा सकते हैं मोबाइल के साथ में और अपने चप्पल जूतों के साथ में। ये देखिए टेंट लगे हुए हैं, और इसमें आपको अपने चप्पल जूते और मोबाइल रखना होता है। मंदिर के अंदर बिल्कुल भी मोबाइल अलाउ नहीं है, तो फिर बिना मोबाइल के ही जाना पड़ता है अंदर, क्योंकि भगवान से मिलना है तो कुछ तो देना पड़ेगा। मंदिर के बाहर हैं हम लोग इस समय, और बस जा रहे हैं चप्पल जूते रखने और उसके बाद भगवान के दर्शन करने। अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, तो बस मोबाइल जा रहा है जमा होने, और उसके बाद हम दर्शन करेंगे भगवान की। जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। दर्शन करके आ गए हम लोग, बहुत सारा प्रसाद भी खा लिया और सब कुछ कर लिया, और हालत एकदम थक गए हैं, तो अभी होटल जा रहे हैं, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे बीच पे। तो बीच पे जाना है, तो ड्रेस चेंज हो गई तुरंत फटाफट, और बच्चों को लगी थी भूख, तो सोचा कि चलो पहले इन लोगों को कुछ खिला देते हैं। तो सेम बिल्डिंग में ही जहाँ पे हमारा होटल था, वहीं पे था एक बहुत ही अच्छा सा रेस्टोरेंट, जहाँ पे हमने चाइनीज़ खाया, चाइनीज़ ऑर्डर किया। मेरा तो एकदम पेट फुल था, क्योंकि सुबह प्रसाद इतना अच्छे से खाया था हमने, तो बिल्कुल जगह नहीं थी, लेकिन बच्चों को चाइनीज़ खाना था तो नूडल्स और मंचूरियन मंगाया था, और बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही यमी था। तो यहाँ पे अगर आप इस साइड में रहते हैं, तो आप जाते हैं और रुकते हैं, तो आप ज़रूर इस वाले रेस्टोरेंट में ट्राई करिएगा। और रेस्टोरेंट का डेकोर भी, इंटीरियर भी मुझे बहुत क्यूट सा लग रहा था, बच्चों के लिए कलरफुल सा, तो मैंने इसको थोड़ा सा शूट किया। और बीच जाने के लिए तो सभी बहुत एक्साइटेड थे, खासतौर से विधि, लेकिन स्विम सूट लेके नहीं जाना था हमको, क्योंकि हमने सोचा था कि आज हम सिर्फ बीच पे ऐसे ही घूमेंगे और फिर जाएंगे। तो मस्ती जा रहे हैं, बीच पे जाने के लिए रेडी हो गए हैं। तो ऑटो लिया था हमने पुरी बीच जाने के लिए। मेनली आपके, मतलब अगर जगन्नाथपुरी में आप हैं, तो तीन बीचेस हैं, गोल्डन बीच है, पुरी बीच है और स्वर्ग द्वार है। स्वर्ग द्वार पे बहुत भीड़ होती है, तो हमने चूज़ किया था पुरी बीच। बीच पर आते ही मेरे अंदर ना एक अलग सा एक्साइटमेंट, बहुत ही खुशी आ जाती है मुझे, वो लहरों की आवाज़ इतनी अच्छी लगती है, पूरे दिलो दिमाग को एकदम सुकून दे जाती है। तो बस मज़ा आ गया मुझे तो बीच देख के ही, और भगवान के दर्शन इतने अच्छे से हुए, और अब बीच आ गए हम। बैठ जाओ, देखो अच्छे कितना पैसा लोगे। बच्चे लोग का दीदी 50 करके, बच्चे का 50 और बड़े का 100। और कितना राउंड लगाओगे? 100 मीटर जाना, 100 मीटर आना। आ गया, पानी आया। देखो वो कहाँ तक आगे तक जा रहे हैं, यहाँ का बहुत ही सेफ बीच है, ये दिख नहीं है जरा भी। पूरी आइए कभी, जब थोड़ा सा टाइम लेके आइए, एक दिन तो पूरा मंदिर के लिए और एक दिन अपना घूमने के लिए रखिए जरूर, जिससे कि यहाँ की जो मतलब प्राकृतिक जो देन है, मतलब जो बीच है, वो एंजॉय कर सके आप। बीच के पास के होटल में भी आप रह सकते हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप मंदिर के दर्शन आपकी प्रायोरिटी है, तो मंदिर के पास कीजिए और उसके बाद आप बीच पर आइए। बीच इतना खूबसूरत, समुद्र ही समुद्र, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा।
और कहते हैं इंडिया का एक बहुत ही सुंदर बीच है ये, पुरी का बीच बहुत ही क्लीन है ये, कहीं पर भी इतना क्लीन बीच नहीं मिलता। गोवा भी बहुत कमर्शलाइज हो गया है उसके कंपेरिजन में, यहाँ पर बहुत ही अच्छा सस्ता होटल भी आपको मिल जाएगा आसानी से, और आप भगवान के दर्शन करिए और उसके बाद इस प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लीजिए, इंजॉय करिए, फुल फैमिली के साथ आइए और बहुत बहुत मज़ा आता है। और अभी जैसे कि नॉर्थ में ठंड है, यहाँ पर बिल्कुल भी ठंड नहीं है, एकदम मस्ती का मूड आप ऑन रखिए और देखिए कितना लोग मस्ती कर रहे हैं बीच पर, बहुत ही मज़ा आता है। मुझे तो पर्सनली बीच बहुत बहुत पसंद है। भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के बाद जब आप इस बीच पे आएंगे तो आपको बहुत ही सुखद अनुभूति होगी। देखिए तो कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन ये सब होटल जाने के लिए जिद कर रहे हैं, क्या करूँ मैं, जाना पड़ेगा होटल। थक तो हम जा रहे हैं वापस होटल, और होटल में जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर हम जाएंगे जानकी मंदिर या दूसरा जो भी मंदिर है, मौसी जी का मंदिर ठाकुर जी के, वहाँ पे जाएंगे। मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। तो पुरी बीच से भी जब आप बाहर निकलेंगे तो बहुत ही अच्छा मार्केट है, वहाँ पे आप अच्छे खासी शॉपिंग के ऑप्शन है आपके लिए, जो यहाँ के हैंडीक्राफ्ट हैं, हैंडलूम्स हैं, उनकी शॉप्स हैं, खाने पीने की शॉप्स हैं, तो ढेर सारे ऑप्शन हैं आपको एक्सप्लोर करने के लिए। तो आप चाहें तो बीच से बाहर निकल के भी घूम सकते हैं और ढेर सारी चीज़ें देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, पानी पूरी भी खा सकते हैं। तो बस घर पहुँचे हम, और उसके बाद बच्चे तो सो गए थे, मुझे और हस्बैंड को शाम को फिर मंदिर जाना था, तो हम दोनों ने भी थोड़ी देर आराम किया और उसके बाद हम फिर निकल पड़े। ये देखिए हमारी बिल्डिंग बिग बाज़ार से अलग से ही दिखाई देता है। अगेन ड्रेस चेंज, क्योंकि मंदिर जाना है तो सूट पहन लिया फिर से, और फिर मैं निकल पड़ी मंदिर के लिए। और हम जा रहे हैं गुंडीचा टेम्पल, जो कि है ठाकुर जी की मौसी जी का घर, जहाँ पे आजकल ठाकुर जी गए हुए हैं। तो ये जो रास्ता है, रास्ते भर हमको बात करते हुए वो लेके गए, और ये है मंदिर मौसी जी का। तो यहाँ पे मौसी जी के यहाँ भगवान जो हैं बलभद्र जी के साथ में और सुभद्रा भैया के साथ में यहाँ पे ही रथ यात्रा के बाद आते हैं और विश्राम करते हैं। और वहाँ मंदिर के अंदर तो कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था, लेकिन मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, बहुत बड़ा सा मंदिर है और अंदर मौसी जी की मूर्ति बनी हुई है और एक स्थान बना हुआ है जहाँ पे भगवान आके विराजते हैं, और बहुत ही सुंदर तरीके से वहाँ पे रोज़ ही पूजा होती है, पूजा अर्चना होती है, और काफ़ी बड़ा परिसर है मंदिर का। और आपको अंदर जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि क्यू रहती है जब भीड़ भाड़ होती है तो, और काफ़ी जब हम निकले वहाँ से बाहर तो अंधेरा हो चुका था। और ये देखिए बाहर गेट का है ये, और बहुत ही अच्छा लगा था अंदर जाने के बाद। आजकल जैसे कि भगवान वहीं पर विराज रहे हैं, तो चलिए देखिए मेरे साथ दर्शन कर लीजिए आप भी गुंडीचा टेम्पल। और यहाँ से जब बाहर निकलो तो बाहर पूरा चारों तरफ भगवान की चीज़ें, और यहीं पे पास में ही जो एक मंदिर है नरसिंह टेम्पल, नरसिंह भगवान का मंदिर है, आप चाहें तो यहाँ पे भी नरसिंह भगवान के दर्शन कर सकते हैं। नरसिंह भी भगवान का ही अवतार थे, तो नरसिंह जी का टेम्पल बहुत, मंदिर बहुत ही कम जगहों पर है, तो यहाँ पर नरसिंह भगवान का भी मंदिर है, उसमें भी आप जाके दर्शन कर सकते हैं। और हर जगह पर ये एक जो चीज़ थी पूजा की, ये सभी जगह मिल रही थी, ये था धान के पंखे, जो मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे। मैंने वहां पूछा तो पता चला कि लक्ष्मी जी को ये बहुत पसंद है, तो लक्ष्मी जी के लिए खास तौर से ये होता है। कितनी मेहनत से ये धान के पंखे जैसे बनाए जाते हैं, और मैंने पता किया तो ये लक्ष्मी जी के पास में रखा जाता है, और जो धान पूजा में लगता है तो इसमें से ही निकाल के लगा लेते हैं। आई होप कि ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा, भगवान के दर्शन बीच सब कुछ अच्छा लगेगा। अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा विद बेल बटन, घंटी दबाइएगा। और वहां पे स्वीट कॉर्न मिल रहा था तो हमने स्वीट कॉर्न खरीद लिया, बच्चों के लिए होटल में बच्चों के लिए लेके जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धमाकेदार वीडियो में, आई होप कि अच्छा लगेगा आपको वो भी। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझसे जुड़े रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।